अंजना जी, जो कुछ आज कमलनाथ जी का बयान आया है उस पर मैं अपनी बात कहने से पहले रहीम दास जी का एक दोहा बोलूंगा। बहुत अच्छा बोला अभय दुबे जी ने, अपनी तरफ से भरपूर प्रयत्न किया एक अच्छे सक्षम प्रवक्ता के नाते। पर रहीम दास जी कह गए हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब उन्होंने ऐसा उसको कर दिया है कि अब आप जितना मत लीजिए मट्ठे में से मक्खन नहीं निकलने वाला है। पर हकीकत क्या है अंजना जी? देखिए अभय जी ने बड़ा अच्छा बोला, चुनावी बातें और घोषणा वो सब हम लोग भिन्न भिन्न चैनल पर सुन रहे हैं, मगर यहाँ तो मुद्दा अलग है। हम लोग कहते हैं ना एमपी गजब है, तो कांग्रेस के नजरिए देखिए एक चीज थोड़ी है कमलनाथ जी का। एक समय पहले आया था आरएसएस से निपट लेंगे, ये कौन से वर्ग को साथ में लेने के लिए था? तो जीतू पटवारी जी का याद करिए, मुझे समर्थन दो पार्टी गई तेल लेने। तो दिग्विजय सिंह का याद करिए कि दुश्मन भी खड़ा हो तुम्हारी पार्टी के टिकट पर तो उसका समर्थन करना, यानी दुश्मनी भी है पार्टी के अंदर। तो फिर ये भी इस खबर याद करिए कि राहुल गांधी जी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह में गर्मा गर्मी हो गई। तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कांग्रेस के अंदर की स्थिति क्या है। अरे इस पर जवाब दीजिए ना, ये कांग्रेस है या आलमे बदहवासी? हकीकत ये है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और गलती से वो चीज सामने आ ही गई। और ये कोई नई बात नहीं है अंजना जी, एक वक्तव्य होता उसकी लीपापोती की जा सकती थी। ये तो एके एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की 2014 की करारी हार का कारण ये था कि आप एक धर्म या संप्रदाय या मजहब की तरफ जरूरत ज्यादा झुकते नजर आने लगे। ये कोई पहली बार थोड़ी है।